हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग के घर में सत्यनारायण जी भगवान का पूजा होने वाला है, तो सुबह सुबह उठते साथ ही घर का साफ सफाई सारा काम खत्म हो चुका है। बस अपने पतिदेव का उठने का इंतजार कर रही थी ताकि ये सोफा का हम साइड करके हॉल को खाली कर सकें, क्योंकि पूजा यहीं पर होने वाला था और पंडित जी हम लोग को 7 से 8 बजे बीच का टाइम दिए थे, पर उस टाइम वो नहीं पहुँच पाए। तो अच्छा हुआ, जो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ताकि मेरा बाकी का काम पूरा हो सके, तो इसीलिए शायद वो लेट करके आए और मैं अपना काम भी निपटा ली। बस मुझे अल्पना देना है और मेरी बड़ी बेटी को अभी तक नहीं उठाई थी। उठने के बाद बोली मुझे भी तो कुछ हेल्प करना है। मैं बोली जाओ फूल तोड़ के लाओ, तो वो अपना फूल तोड़ के रेडी कर दी और मैं यहाँ पर झोटी चीता अल्पना जो कहते हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि यही जगह में पूजा होने वाला है। बाहर भी दी हूँ और ये पूर्णिमा का दिन था, माँ बाबा हम लोग का इंतजार कर रहे थे माघी पूर्णिमा से। बस हम लोग उस टाइम नहीं आए थे, माघ महीना में जो पूर्णिमा आता है, पर उस टाइम नहीं आए थे तो नहीं हो पाया था। और ये वाला पूर्णिमा में आए हैं, मतलब घर पर हैं, तो चलो अच्छा दिन है, शुभ दिन है, तो इसी में पूजा कर देते हैं। और कहते हैं कि हर पूर्णिमा में एक सत्यनारायण जी का पूजा होना जरूरी है घर पर। तो देखिए पंडित जी भी आ चुके हैं और पूजा का प्रसाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। बाबा को लगाना था पर क्या है कि बाबा पूजा में बैठ गए, तो ये वाला एक्चुअली प्रसाद बाबा सबसे अच्छा बनाते हैं, तो जो भी है प्रसाद जो होता है ना वो सब में बढ़िया होता है। तो मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं, मैं बस तैयारी कर रही हूँ। माँ बाबा पूजा में बैठ गए हैं, दोनों बहन अपना वहाँ पर बैठ कर पूजा में शामिल हो गई हैं और मैं वहाँ पर चल गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे वहाँ का भी कुछ काम है। बस यहाँ की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर आके देख रही हूँ। पतिदेव थोड़ा सा परेशान हो रहे थे क्योंकि हम लोग का जो गुड़ होता है ना वो थोड़ा सा टाइट था, मैंने उसको बैठी की मदद से टुकड़ा टुकड़ा करके दे दिया। फिर चल जाऊंगी अभी किचन में, क्योंकि पंडित जी का खाने का भी मुझे तैयारी करना है, क्योंकि वो पूजा में उठते साथ ही हम लोग का एक ही जैसे पंडित जी को खिला उला कर जब तक ना भेज दो तब तक आपका पूजा कंप्लीट ही नहीं होता है। चलो जो भी है कुछ ना कुछ तो तैयारी करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरा अपना जिम्मेदारी है। मेरी बड़ी बेटी भी पूरा जोर शोर से लग गई, बोली मामा मुझे भी कुछ बनाना है पंडित जी के लिए, तो चलो अच्छा हुआ जो मन करे तुम बना लो। बोली मुझे सूजी का हलवा बनाना है, तो ठीक है बना लो जाओ, अभी हवन का टाइम हो गया है। और ये जो पूजा कर रहे हैं ना वो ऋषि देवल लगते हैं और बहुत बढ़िया पूजा करते हैं एक्चुअली, उनका पूजा से घर वाले बहुत संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा बन चुका है बिना एकदम प्याज लहसुन बिना मिर्च मसाला का सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, डालमा, साथ में सूजी का हलवा और पूड़ी बनाने वाली हूँ बस कुछ देर बाद, क्योंकि जब खाएंगे तब गर्मा गर्म तल के देने वाले हैं। बाबा अभी यहाँ पर हवन कर रहे हैं, तो उसके बाद चल जाएंगे अपना किचन में। बाकी का तैयारी मेरा दिखा देती हूँ। और उससे बड़ी तैयारी ये है कि जब आप किसी से पूजा कराओ पंडित जी को, ये हम लोग सीधा कहते हैं इसको, दाल चावल सब्जी जो होता है घर पर, जैसे एक दिन का पेट भरने लायक देना जरूरी होता है, तो वो जैसे पंडित जी सारा काम खत्म कर लेंगे, खा पी लेंगे, उसके बाद ये इनको पकड़ाना होता है। माँ बाबा भी पुष्पांजलि दे रहे हैं, फिर हम लोग भी करने वाले हैं पुष्पांजलि, क्योंकि सबको अभी तक भूखे हैं, इवन आद्या भी थी भूखे, क्योंकि मैं अभी तक उसको खिलाने का टाइम ही नहीं पाई थी, तो वैसे ही घूम रही है। एक बनाना पकड़ाई उसको भी फेंक किया गई बच्ची, और देखिए कैसे खेल रही है बाबा के साथ वहाँ पर, क्योंकि बाबा का पूजा पाठ हो गया था तो उनका घुटना में दर्द था। मैं बोली आप यहाँ पर बैठ जाओ ताकि आद्या आपके साथ खेलती रहे और मैं शांति से भगवान जी को पुष्पांजलि कर दे सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा पुष्पांजलि होने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोग को आगे हम लोग का आरती और बाकी का पूजा पाठ जो बच गया है। बाकी का पूजा पाठ होंगे तो आरती ही बचा है, बस 2-3 घंटा लग गया ये पूजा खत्म होते होते। बहुत मन शांति हो जाता है, घर पर कुछ पूजा पाठ होता है ना घर का माहौल एकदम से चेंज होता है, मतलब बोलूंगी तो पूरा पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है। होता है कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर से बताइए। और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर से, हम लोग का पूजा बढ़ चुका है, तो मैं अभी पंडित जी के लिए प्लेट लगा रही हूँ। ये जो सूजी का हलवा देख रहे हैं मेरी बेटी बनाई है, काफ़ी टेस्टी बना था, सबको उसका बहुत तारीफ की। मैं तो पहले उसका हाथ का खाई थी, आज सबको ही खाए और बहुत तारीफ की उसका। और उसके पापा भी काफ़ी हेल्प किए हैं मुझे, छोटा छोटा हेल्प तो किए हैं, पूड़ी तलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, क्योंकि मैं बस बेल के दी हूँ उनको और वो पूड़ी सब तल के दिए हैं मुझे। तो देखिए अभी पंडित जी को खिलाने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम खत्म होगा और बाबा को माँ को खिला दूंगी, फिर जाके मेरा पूजा का सारा पुण्य मुझे मिलने वाला है। तो देखिए इसके बाद ना हम लोग होली भी थोड़ा सा खेले, क्योंकि उस दिन होली था, मैं आप लोगों को बताई थी पूर्णिमा था। तो मेरे पड़ोसी हैं ये सब, मेरे वहाँ पर पुराना घर में जो रहती थी, इनके साथ मेरा लगाव कुछ अलग सा ही है। मैं फ़ोन करके बोल दी थी कि आ जाना यहाँ पर, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ना घर में पूजा हो और कोई ना आए, तो इन लोग को बुलाई थी तो ये लोग आए साथ में, हम लोग थोड़ा सा होली भी खेले। हैप्पी होली सबको भी, बहुत दिन बाद हैप्पी होली, क्योंकि ये बहुत पुराना वीडियो है और आज जा रहा है। देखिए मेरी बेटी को उसका बचपन की सहेली मिल गई है, तो मन भर के उसको रंग लगाई और बाबा नातनी कहते हैं इस हिसाब से बहुत सारा ये लोग को भी रंग लगाए। और मैं यहाँ पर पूजा का प्रसाद का प्लेट लगाई हूँ, क्योंकि माँ भी हम लोग का यहाँ का आस पड़ोस में सब देने जाएगी। दोपहर का टाइम हो चुका था, बस इसके बाद हम लोग खाएंगे, पर किसी को भूख नहीं था। पता है घर पर जब पूजा पाठ होना उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, बनना हुआ तो सब कुछ है पर सब कुछ प्रसाद को रेडी करने के बाद मैं अपने लिए ले चुकी हूँ सिन्नी का प्रसाद, जो कि हम लोग का सबसे पसंदीदा प्रसाद होता है। और मैं 2 कटोरा खा ली, उसके बाद देखिए आद्या को भी सुलाई, घर का भी सारा काम निपटा के अभी आ गई हूँ इस जगह साफ सफाई करने, क्योंकि यहाँ पर घी वगैरह थोड़ा सा गिरा हुआ था ना, तो उस
हिसाब से साफ नहीं करूँगी, कोई भी गिर सकता है, तो मैंने सोचा चलो सारा काम निपटा के इसको रिलैक्स होकर साफ सफाई करूँगी, घर एक बार साफ सुथरा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। और ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा मक्खी वगैरह भी भिन आता है, क्योंकि जैसे ही प्रसाद गिरा हुआ रहता है और चलने फिरने में भी दिक्कत होता, हवन हुआ था ना, तो चलिए ये सबको साफ सफाई कर लूँगी। और मेरे पतिदेव भी ना हेल्प करें, क्योंकि पूजा का जो बर्तन था उन्होंने बाहर लेके गया हुआ है अभी, और मैं अभी नहीं उसको बाद में दूंगी। और ये ना 4:30 बजे का वक्त था, देखिए कितना तेज आंधी तूफान आ गया और मौसम पूरा आराम हो गया, पर काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि इतना तेज हवा ना, हम लोग का छत पर सामान रखा हुआ था वो सब का एकदम गिरा रहा था, टप 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 सब गिर रहा था नीचे। और आधे अपना दादाजी का गोदी में होके देख रही थी कैसे पानी अंदर आ रहा है, और देखिए लोग अंधेरा में वेट कर रहे हैं उसके। स्वच्छ निर्मल भारत पूरा भांगी जी ना, इतने बरसा जे एहे यार मूलटा ठीक अच्छे ना, ये गोटे सपोर्ट है ठीक हो। पुई गचटा से हाँ सब रखी सुखला हाँ पुई गचर हालत देख बाहर जितना भी सामान रखा हुआ था ना कहीं एक जगह टिक कर ही नहीं था, देखिए बाल्टी कहीं तो सामान कहीं, टोकरी कहीं, और पौधा का तो बात छोड़ ही दीजिए, उलट पुलट के क्या से क्या हो गया है। और यहाँ पर कुछ जो टमाटर नीचे गिर गया था क्योंकि हवा बहुत तेज था, पानी बस कैच भी करिए से नहीं पची पची जी देखो तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलते हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।